15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमसे सेम क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे, इनबॉक्स में और ईमेल में पूछा है कि आखिर नोटिफिकेशंस कब तक आएगी। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कैबिनेट से ये बहुत पहले भर्ती जो वो पास हो चुकी है, डीजीपी के पास ये मामला पहुँचा है, बहुत पहले का पहुँच चुका है, लेकिन अब यहाँ पर भर्ती क्यों नहीं निकाली जा रही है? COVID-19 क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या एक बहुत बड़ा इशू है इसके चलते नोटिफिकेशन नहीं निकल रही है, या फिर बात कुछ और है? दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो भर्ती है क्यों डिले हो रही है, इसके पीछे एक जो मेन रीज़न यही है कि क्या इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू होगा या इवैल्यूएशन होगी। सरकार से जवाब मांगने को बहुत पहले कहा गया था, लेकिन अगर सरकार यहाँ पर अपना जवाब दाखिल नहीं करती है तब दोस्तों ये पुराने शेड्यूल के तहत ही नोटिफिकेशन निकाल दी जाएगी। क्लियर हो गई बात? अगर यहाँ पर सरकार अपना कोई भी जवाब नहीं देती है तब पुराने शेड्यूल के तहत ही ये नोटिफिकेशन निकाल दी जाएगी। और दोस्तों, COVID-19 भी एक इशू है, लेकिन आपको इन चीज़ों को सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आउट हो सकती है। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले एक साल से लगातार इस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 0.5 से रह जाते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार मत करो, पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर भर्ती का सपना साकार करना है। क्लियर है? नहीं तो लास्ट में यही होगा कि आप व्हाट्सएप करोगे, सर मैं 0.5 से या फिर 1 मार्क से रह गया या रह गई। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं घर बैठे, बहुत ही बढ़िया टाइम है स्टडी के लिए। वैसे तो ये बहुत बढ़िया टाइम नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर लोगों को हो रही है COVID-19 के चलते, लेकिन स्टडी करने के लिए आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है, स्टडी कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, नोट्स, क्वेश्चंस, टेस्ट आप ले सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप करके, डिटेल्स ले सकते हैं क्रैश कोर्स के लिए, और फ्री टेस्ट भी आप इन एग्ज़ाम के लिए लगा सकते हैं, चाहे पुलिस कांस्टेबल की बात करूँ, फॉरेस्ट गार्ड की बात करूँ, या फिर जेल वार्डर की बात करूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर फ्री टेस्ट लगाने के लिए व्हाट्सएप करिए फ्री टेस्ट, और साथ में आपका अपना एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम के लिए लगाना चाहते हैं। अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिन संसाधनों का उपयोग लगातार किया जा सकता है उन्हें वर्ष के बाद कहा जाता है। अब दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस डेली साइंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस का टॉपिक आप जरूर देखिए कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया है। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस होगा, लेकिन क्वेश्चंस का वे क्या होगा मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, नहीं तो लेंथी वीडियो हो जाती है फिर। ठीक है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिन्यूअल, नवीकरणीय। दोस्तों, जिन संसाधनों का उपयोग लगातार किया जा सकता है उन्हें वर्ष के बाद, यानी कि रिन्यूअल, नवीकरणीय उन्हें कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, टार्ट्रिक एसिड प्राप्त होता है। अब ये जितने भी विटामिन्स हैं, चाहे मैं खट्टे पदार्थों की बात करूँ कहाँ से मिलता है, किससे मिलता है, कौन से फलों से मिलता है, या फिर विटामिन्स की बात करूँ कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा फल इन विटामिन्स को कवरअप करता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एन की ग्रेप्स। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस का वे आप चेकआउट कर लेना। नहीं पता लग रहा है व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। जिसे हंसाने वाली गैस के रूप में उपयोग किया जाता है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बार हाईलाइट होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। लेक्चर्स की फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करके। टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कौन सा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात हुई है फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है,
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनकी कार्बन। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व दोस्तों कार्बन है, ये याद रख लेना है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है और हाइलाइटेड भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो हमारे शरीर में भावनात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चंस पूछा गया है इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो वो रिपीट हो रहा है, चाहे मैं टॉप 10 मैगजीन्स की बात करूं या फिर न्यूज़पेपर या फिर आपके एग्जाम। द राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस, आपको याद रखना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूहे का जहर बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनकी पोटेशियम साइनाइड। अब दोस्तों डेली साइंस के क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो ज्यादा रहती है आपके एग्जाम में। नदी एक डेल्टा नहीं बनाती है। जब भी हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। ताप्ती नदी, चाहे मैं सोइल की बात करूं, क्लाइमेट चेंजेस की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति निर्भर करती है, यानी कि दोस्तों यहां पर बात हुई है द सप्लाई ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन, इंपॉर्टेंट इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनकी पॉपुलेशन। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति निर्भर करती है आबादी के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, क्लियर। साथ साथ में मॉक टेस्ट के रूप में जरूर लगाइए। दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? अब दोस्तों यहां पर क्यों पूछा गया है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है और साथ साथ में यूटी भी है, तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एन की 70। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, क्रिप्स मिशन भारत में आया कब आया? दोस्तों एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज वाइज, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रियम्बल से लेकर आर्टिकल्स से लेकर फंडामेंटल ड्यूटीज और सब कुछ, राज्यसभा, लोकसभा, कैग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेकर हर एक चीज, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज के जरिए, जिसमें हम प्रीवियस को एनालाइज कर रहे हैं, प्रीवियस टॉपिक्स को देख रहे हैं, तो वो सीरीज भी आप जरूर अटेंड करिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एन की 1942, जिसमें हम दोस्तों बिल्कुल डीप डिस्कस करते हैं। पृथ्वी दिवस 2021 का विषय क्या था? अब इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जहां पर डायरेक्ट थीम आपसे पूछी जाती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एन की रिस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? जितने भी इंडेक्सेस हैं, कौन कौन सी संस्था इनको लॉन्च करती है, कौन कौन से सेगमेंट कौन सी संस्था में रखे जाते हैं, तो ये हर एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक भी स्किप पॉइंट आपका पॉइंट मिस कर सकता है, क्वेश्चंस की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एन की 142। दोस्तों पढ़ना वही है जो इम्पोर्टेंट है, और जिसके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के अंडर आप कोर्सेज ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। पंजाब के कई क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ? एडमिनिस्ट्रेशंस की जब भी हम बात करते हैं, ये आपका बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एन की 1966, 1966। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कुफरी में है। नाथप्पा झाकड़ी बिजली परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सबको आना चाहिए। कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है, किसके सहयोग से है, कौन सा देश कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसकी सहायता ली जा रही है, कौन सा राज्य उस के लिए कंट्रीब्यूट अपना कर रहा है, कौन सी नदी के ऊपर बनाई जा रही है, कितनी मेगावाट बनाई जा रही है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एन की सतलुज रिवर। अब दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, व्हाट्सएप पर
व्हाट्सएप करना है, क्रैश कोर्स की डिटेल्स लेनी है, एमसीक्यूज, फ्री टेस्ट, सिलेबस नोट्स, सब की जानकारी लेनी है, फ्री लेक्चर्स की पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।